स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक विवादित प्रश्न के बारे में। प्रश्न इस प्रकार है, ही ब्लैंक स्टॉप स्मोकिंग, तथा इसके ऑप्शन में दिया गया है शुड और मस्ट। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। सिचुएशन नंबर वन, स्मोकिंग करने वाला व्यक्ति स्मोकिंग तो कर रहा है लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति खराब है तथा उसका पर्स खाली है। इस परिस्थिति में एक समझदार व्यक्ति उस स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति के बारे में कह सकता है, ही शुड स्टॉप स्मोकिंग, अर्थात उसे धूम्रपान बंद कर देना चाहिए। व्याख्या, जब उसकी आर्थिक स्थिति खराब है तो धूम्रपान करने की क्या जरूरत है, अनावश्यक पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। इसलिए दूर खड़ा हुआ एक समझदार व्यक्ति कहेगा, ही शुड स्टॉप स्मोकिंग, अर्थात उसे धूम्रपान करना बंद कर देना चाहिए, अर्थात धूम्रपान करने की आदत छोड़ देना चाहिए। सिचुएशन नंबर टू, परिस्थिति नंबर दो, अर्थात धूम्रपान करने वाला व्यक्ति धूम्रपान तो कर रहा है लेकिन मालूम हुआ है कि उसे धूम्रपान करने के कारण एक गंभीर बीमारी हो गई है। इस परिस्थिति में दूर खड़ा हुआ डॉक्टर जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट देख रहा है, वह मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद उसके बारे में ऐसा कह सकता है, ही मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, अर्थात उसे अनिवार्य रूप से धूम्रपान बंद कर देना चाहिए, नहीं तो गंभीर बीमारी उसकी जान भी ले सकती है। अर्थात इस प्रश्न ही ब्लैंक स्टॉप स्मोकिंग में हम देखते हैं कि दोनों ही ऑप्शन शुड तथा मस्ट सही हैं। एक परिस्थिति में शुड ऑप्शन सही है और हम कहते हैं कि ही शुड स्टॉप स्मोकिंग, तथा दूसरी परिस्थिति में मस्ट सही है तथा हम कहते हैं कि ही मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। हमारे विचार इस प्रकार हैं, इस प्रश्न को परीक्षा में नहीं पूछा जाए, और यदि पूछा जाए तो इसके दोनों उत्तर शुड तथा मस्ट को सही मान्य किया जाए। इस प्रश्न के सही उत्तर के बारे में विद्वानों के बीच वाद विवाद जारी है। कुछ विद्वानों के अनुसार शुड आंसर सही है तथा कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार मस्ट आंसर सही है, तथा कुछ अन्य विद्वान ऐसे भी हैं जिनके अनुसार शुड तथा मस्ट दोनों आंसर सही हैं। आपके विचार क्या हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपके स्क्रीन पर बटन के रूप में दो वीडियो दिखाई दे रहे हैं, आप इनमें से किसी एक को चुनकर उस पर क्लिक करें और अपना आगे का अध्ययन निरंतर जारी रखें।